हेलो एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। बहुत लोग को पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने नहीं आता है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक बार में आपको परफेक्ट तरीके से पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने आ जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं मैम हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बिना स्किप करे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप पूरा हटा बढ़ा के देखेंगे, भगा के देखेंगे, तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, तभी आप लोग कमेंट करते हैं। तो आपको एक बार में नहीं समझ में आता, एक बार से दो बार देखिए, दो बार से तीन बार देखिए, तभी आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। हम भी सीखते हैं कोई चीज से, एक बार में नहीं समझ में आता तो दो से तीन बार करते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं, क्योंकि हम कपड़ा खराब हो जाएगा कस्टमर का है। तो आप भी ऐसे ही करिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब आपको समझ में आ जाए तभी कपड़ा की कटिंग करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, 2 मीटर का कपड़ा ले लिए, कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। अभी हम इसको नाप के भी दिखाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कितने मीटर का है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लंबाई से हम फोल्ड कर दिए कपड़े को, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। अब इसके नाप के दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो इसकी लंबाई 38.5 इंच, चौड़ाई है यहाँ पर देख लीजिए 20 इंच। तो ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है, इसको अब इस तरह से फैला लेना है। ऊपर की तरफ से कपड़ा घट बढ़ है तो यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहां से निशान लगा है वहां से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, कपड़ा हमारा डबल में है। अब हमें कमर बेल्ट पे निशान लगा लेना है, 7 इंच फिटिंग है, 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे तो 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगा लेना है, इस निशान को एक में मिला लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कमर है 32 इंच, 32 इंच का आधा करेंगे तो 16 इंच, तो 16 इंच फिटिंग पे निशान लगा लेना है। 3 इंच हमें लूजिंग दे देना है, 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन दे देना है। तो देख लीजिए कमर बेल्ट की चौड़ाई है 20 इंच। अब जहां से निशान लगाए वहां से कटिंग कर देना है कमर बेल्ट को। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, कमर बेल्ट हमारा डबल में, कमर बेल्ट हमारा कम्प्लीट है, इसे बगल में रख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है डबल में, डबल फोल्ड को 1 फोल्ड और करेंगे तो टोटल 4 फोल्ड हो जाएगा, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ऊपर की तरफ से कपड़ा घट बढ़े तो यहाँ पर कटिंग करके बराबर कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर हो चुका है। अब हमें मोहरी के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से हमें 7 इंच निकाल देना है, कमर बेल्ट फिटिंग है 37 इंच हमारा फिटिंग है, 2 इंच मोहरी के लिए ले लेंगे तो 39 इंच, इस निशान को एक में मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी मोहरी कंप्लीट है 6 इंच, 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे क्योंकि आधा इंच इस तरफ से कली ज्वाइंट करेंगे, आधा इंच उस तरफ से, तो हमें 7 इंच निशान लगा लेना है ऊपर की तरफ से, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब जहां से निशान लगाया वहां से कटिंग कर देना है मोहरी वाले पार्ट को। यहां पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है, इसको बगल में रख लेना है। यहां पर देख लीजिए मोहरी वाला पार्ट हमारा डबल में है क्योंकि दोनों पैर का है, इसको बगल में रख लिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जितना कपड़ा बचा है उसमें से हम कली निकाल लेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है अच्छी तरीके से सेट करके। तो यहाँ पर देख लीजिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। अब हमें आसन पे निशान लगा लेना है, तो यहाँ पर देख लीजिए आसन पे हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे, और सेम इसी तरीके से हमें उस तरफ से भी 9 इंच पे निशान लगा लेना है आसन पे। अब इस निशान को इस निशान से क्रॉस में मिला लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहां से निशान लगाया वहां से क्रॉस में कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, दोनों कली एक में ज्वाइंट है तो इसे कटिंग करके अलग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अलग हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर कली को रखकर अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, कहीं से घट बढ़ते से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधा हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए कली हमारा 4 है, इसको इस तरह से बगल में कर लेना है। अब यहाँ पर मोहरी वाला पार्ट ले लिए हैं, घट बढ़े तो यहाँ से कटिंग कर देना है ऊपर की तरफ से। अब यहाँ से हमें 2 इंच कटिंग कर देना है, जो हमारा निशान है उसके बराबर हमें कली को रखना है, क्योंकि जो 2 इंच है हमारा वो मोहरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कमर बेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पर देख लीजिए कमर बेल्ट हो चुका है, कली हो चुका है, मोहरी वाली पार्ट हो चुकी है, कम्प्लीट कटिंग पटियाला सलवार की हो चुकी है। चलिए हम मशीन पे आपको स्टिचिंग बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मोहरी वाला पार्ट ले लिए हैं, अब इसके ऊपर में कली को रखकर अच्छी तरीके से स्ट्रेट करके सिलाई लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से।
तो सेम इसी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। एक कली हमारी ऊपर की तरफ से ज्वाइंट होती है, एक कली नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर की तरफ से ज्वाइंट हो चुकी है। अब नीचे की तरफ से कली रखना है, ऊपर की तरफ से मोहरी वाली पार्ट को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेना है ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है कहीं से गड़बड़ है तो। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से दोनों कली हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हमें नीचे की तरफ से मोहरी बना लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मोहरी के लिए बकरम ले लिए हैं। अब बकरम को इस तरह से रखकर अच्छी तरीके से सेट करके डबल फोल्ड में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। अब इसको सीधा करना है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है किनारे पे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। एक मोहरी में चार सिलाई रहना चाहिए, चार या तीन आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम चार सिलाई रखेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी लास्ट कली है, सॉरी लास्ट सिलाई है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, एक्स्ट्रा मोहरी पर से बकरम को कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मोहरी हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक पार्ट हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। पहले बीच में एक कट लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से सेंटर पॉइंट अच्छी तरीके से पता चलता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पार्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर कमर बेल्ट ले लिए हैं, कमर बेल्ट हमारा डबल में है, बीच में कट लगा लेना है सेंटर पॉइंट पे। अब इस कमर बेल्ट को नाप के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 इंच है, यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा लेना है, एक कट लगा लेना है, आगे की तरफ से भी 10 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा बराबर है, तो आगे की तरफ से हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है, 11 इंच भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 11 इंच का निशान लग चुका है। अब हमें नीचे की तरफ से पहले हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है प्लेट के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 इंच हमें निशान लगा लेना है जो हम छोड़े हैं। आगे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगा लिए हैं क्योंकि जो कमर बेल्ट पर निशान लगाए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लेट लगा लेना है। इसमें हम आपको पिन से नहीं बता रहे, सीधा हम मशीन से बता रहे हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्लेट लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आपका बराबर हो जाएगा। इसको हम नाप के भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लेट लगाना है 11 इंच तक, जहां तक हम निशान लगाए हैं। इससे आपका एक बराबर प्लेट बैठेगा। अगर आप ऐसे नहीं बैठा सकते हैं, तो आप पिन लगा के भी सेट करके बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए जहां निशान लगाया वहां तक हम प्लेट बैठा लिए हैं। अब इसको नाप के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 इंच हमारा आ चुका है। देख लीजिए कि एक बराबर हमारा प्लेट एकदम बैठ चुका है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिए हैं। अब आसन पर रखकर अच्छी तरीके से सेट करके आसन को ज्वाइंट कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। अब इसको सीधा कर लेना है, आसन के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है, 2 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हम जो निशान लगाए थे वहां से हमें प्लेट लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। एक प्लेट हमें इस तरफ से लगा लेना है, एक प्लेट हमें उस तरफ से लगाना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, प्लेट भी हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए कमर बेल्ट ले लिए हैं,
तो इसके ऊपर रखते हुए अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। तो सेम इसी तरीके से पूरे लंबाई पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर देख लीजिए आधा लग चुका है, अभी आधा और सिलाई लगा लेना है जैसे हम लगाए हैं सेम उसी तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए सेट करते हुए पूरे लंबाई पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, इसको सीधा कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से कमर बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेना है दो पॉइंट छोड़ते हुए। तो सेम इसी तरीके से पूरे कमर बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से एक बार अब हमारा प्लेट लग चुका है दोनों तरफ से। हम आपको फैला के दिखा देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब हमें कमर बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है, तो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। तो पहले हमें सवा एक इंच सिलाई लगा लेना है, उसके बाद एक इंच छोड़ देना है, उसके नीचे पूरे लंबाई पे सिलाई लगा लेना है आसन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लेट दोनों बराबर आना चाहिए, बराबर ही आएगा। और यहाँ से थोड़ा डबल टेबल सिलाई लगा लेंगे तो खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, अब इसको इस तरह से फैला लेना है। अब हमें आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो सेम इस तरीके से पूरे लंबाई पे सिलाई लगा लेना है और सेम इसी तरीके से इस तरफ से भी सिलाई लगा लेना है दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पर देख लीजिए डोरी डालने के लिए हम छोड़ दिए हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ से आधा इंच फोल्ड कर लेना है, नीचे की तरफ से सवा एक इंच फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से स्ट्रेट करके सिलाई लगा लेना है। अगर आपको कोई चीज का कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जो समझ में नया आया हो आपको। तो सेम इसी तरीके से पूरे कमर बेल्ट पे सिलाई लगा लेना है, ये देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। कमर बेल्ट हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए इस तरीके से। ये देख लीजिए इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है, परफेक्ट तरीके से एक बराबर। तो हमारा सीधा था, ये देख लीजिए हमारा उल्टा है, दोनों एकदम बराबर प्लेट आया है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइंट कर लेना है पटियाला सलवार को, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो आपका आसन से आसन मिलना चाहिए, जब आसन से आसन नहीं मिलेगा तो खिंचावपन आएगा, तभी सब लोग कमेंट करते हैं कि मियानी नहीं लगाती हैं मैम। मियानी लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, अगर आपका आसन से आसन मिलेगा तो कहीं खिंचावपन आने की कोई चांस ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस तरफ से भी सिलाई लगा लेना है, सिलाई लगा के फिटिंग पर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, एक सिलाई और लगा लेना है मजबूती के लिए। जैसे हम सिलाई लगाए हैं सेम इसी तरीके से ये भी सिलाई लगाना है, उसी के ऊपर लगाएंगे तो मजबूती ज्यादा रहेगी। अगर आपका कहीं से गड़बड़ है तो इसको सेप देते हुए आप इस सिलाई को मिला लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, अब इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पटियाला सलवार हमारा 2 मीटर से एकदम कम्प्लीट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए डोरी हमारा जो कपड़ा बचा था उसे नीचे हम छोटे छोटे पीस करके कटिंग किए हैं, अब यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ज्वाइंट हो चुका है, अब एक दूसरे में ज्वाइंट करके अच्छी तरीके से सेट करेंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सेट हो चुका है हमारा।
अब ऊपर की तरफ से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है, बीच में एक और फोल्ड करके अच्छी तरीके से स्ट्रेट करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पटियाला सलवार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर देख लीजिए डोरी हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।